गुड इवनिंग प्यारे बच्चों कल से हमारी 2023 नीट के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है कल पहला टेस्ट था बहुत अच्छा रहा और ये हैं कल की फिजिक्स की क्वेश्चंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्ट ऑफ दी बच्चों के गलत हो गए ज़्यादातर बच्चे नए भी हैं नया एडमिशन है तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम आर डी श्रीवास्तव फ्रॉम

इसमें कई कंफ्यूजन होते हैं बेटा पहला कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इसको हम लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते ये एसन है एस एन मीन्स इन एन एच सेकेंड और एन एच सेकेंड मीन्स इट इज अ पर्टिकुलर वन सेकेंड इंटरवल पहला सेकेंड दूसरा सेकेंड तीसरा सेकेंड तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वन पर्टिकुलर सेकेंड एंड देयर फॉर डायमेंशन ऑफ एस एन इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी यानी एल टी माइनस वन दिस इज द मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसकी डायमेंशन एल मानते हैं फिर कहते हैं ये तो मैच नहीं कर रहा है प्लीज रिमेम्बर एस एन इज नॉट ए पर्टिकुलर फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट इट इज़ ए डिस्प्लेसमेंट एक सेकेंड में होने वाला विस्थापन है अतः इसकी बीमा वेग की बीमा यानी एल टी माइनस वन के बराबर होगी और अगर वंस ये क्लियर है कि ये एल नहीं है ये एल टी माइनस वन है तो इसका मतलब होगा लेट मी थिक माई पेन तो यू की डायमेंशन भी यही होगी एल टी माइनस वन और ये एक्सेलरेशन है एल टी माइनस टू और मल्टीप्लाइड बाई टाइम यहाँ फिर एक कन्फ्यूजन होता है ये तो वन है लेकिन ये पूरा नंबर है बेटा जैसे ये पर्टिकुलर एक सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही ये पर्टिकुलर सेकेंड का उसका नंबर दिया हुआ है टू एन माइनस वन डायमेंशन इसकी टी है तो ये मेरे पास फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है पूरी तरीके से और एक तुम लोगों को छोटी सी चीज़ बता दें कि अगर कोई फार्मूला फिजिकली करेक्ट है मतलब यू हैव रिकोगनाइज दैट और कई बार उसको यूज कर रहे हो ये फार्मूला सब लोग यूज करते हैं क्लास नाइन्थ में आ जाता है एलेवन ट्वेल्थ में भी रहता है तो वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट ही होगा इट इज़ अ वेल नोन फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ए पर्टिकुलर सेकेंड तो ये डायमेंशनली करेक्ट ही होगा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन रॉन्ग हो सकते हैं फिजिकली बट अगर कोई फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है ऐसा है जो हम बार बार यूज करते हैं तो डायमेंशनली करेक्ट होगा और अगर आप नहीं मैच कर पा रहे हैं तो कुछ इस टाइप के पंगेबाजी आपके साथ हो रही होगी तो अच्छा क्वेश्चन था ये और ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर गॉस सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की है और ओस्टर्ड भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है और इसमें कंफ्यूजन सिर्फ इतना है कि आप भूल गए ये याद होना चाहिए आपको और इस चैप्टर में एस आई यूनिट डेराइव्ड यूनिट ये सब हम लोगों को मैक्सिमम याद होनी चाहिए दिस फॉर्मूला में ए अपॉन बी की डायमेंशन निकालनी है तो देखो वी डायमेंशन ऑफ वी डायमेंशन ऑफ ए टी और डायमेंशन ऑफ b अपॉन टी प्लस सी ये तीन टर्म है और डायमेंशनल होमोजीनियटी विमीय समांगता के नियम से इन सबकी डायमेंशन बराबर होगी तो इसका मतलब है कि इन दोनों को मैच करके हम एक ही डायमेंशन निकाल सकते हैं और इन दोनों को मैच करके हम B की डायमेंशन निकाल सकते हैं और फिर A अपॉन बी की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं और एक तरीका और भी है यू डायरेक्ट मैच दिस डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B अपॉन डायमेंशन ऑफ टी देखो बेटा टी और सी की डायमेंशन भी आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों ऐड की गई हैं तो सी की डायमेंशन भी टी की ही डायमेंशन होगी और टी प्लस टी की डायमेंशन टी होगी तो डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी और डायमेंशन ऑफ टी तो दैट इज़ टी टू दी पावर माइनस टू तो सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका डायरेक्ट मैंने इन्हीं दोनों की डायमेंशन बराबर कर दी है और वैसे अगर चाहो तो जो यूजुअल मेथड जैसा कि टीचर्स लगाते हैं आपके डिस्कशन में भी बताया गया होगा आप यहाँ से ए की डायमेंशन निकाल लो और इन दोनों को मैच करा के बी की डायमेंशन निकाल लो और फिर ए की डायमेंशन को बी की डायमेंशन से डिवाइड भी कर सकते हो देट इज अनादर वे बोथ मेथर्स आर गुड दिस इज लिटिल बिट शॉल्टर सिग्निफिकेंट फिगर इन 1.00 तो बेटा डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं तो इसमें वन टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी एंड प्लीज़ रीड आउट वेरी केयरफुली सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अभी आपका एक टेस्ट और यूनिट डायमेंशन एरर का होगा एंड आई विल ट्राई टू मेक सम कॉन्सेप्ट फुल ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड क्वांटिटीज तो इसमें थ्री होंगे डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं विच ऑफ हैव सिमिलर डायमेंशंस इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जितनी डायमेंशन हमें याद होंगी उतनी जल्दी हमें मिल जाएंगी और अगर नहीं मालूम है तो फिर निकाल लेते हैं देखो वैसे स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशन सेम होती हैं दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं स्ट्रेस भी होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया और प्रेशर भी नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया तो दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं और एंगल भी डायमेंशनली सेम कह सकते हैं ये बोथ डायमेंशन लेस होते हैं आपको याद होगी इनकी डायमेंशन ये दोनों डायमेंशन लेस हैं एंगल इज़ आरक अपॉन रेडियस डायमेंशन एल अपॉन एल इस इज ऑल्सो डेल्टा एल बाई एल आर डेल्टा वी अपॉन वी डायमेंशन लेस प्लान कॉन्स्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इनकी भी डायमेंशन सेम होती है निकाल के देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन E बराबर एच सी अपॉन लेमडा से निकाल लेते हैं तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एल ये लेमडा की डायमेंशन आ गई अपॉन एल टी माइनस वन हो गया तो मेरे पास हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन ये कांस्टेंट की डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम एंगुलर डायमेंट मोमेंटम इज़ ये आर क्रॉस पी होता है तो आर इंटू पी तो एल और मोमेंटम की एम एल टी माइनस वन तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस वन तो दोनों की डायमेंशन सेम है प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस वन है, सेम है तो ये भी सेम है और ये अलग है टेंशन इज अ फोर्स टेंशन इज़ ए फोर्स तो टेंशन की डायमेंशन फोर्स की होगी और सरफेस टेंशन इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ तो इन ये दोनों की आंसर डिफरेंट है और यही पूछा जा रहा है कि डज नॉट हैव सिमिलर तो माय आंसर इज़ ये थर्ड वन इनकी डायमेंशन सेम नहीं है और बेटर नीट के लिए जिन पेयर्स की डायमेंशन सेम हो ग्रुप की डायमेंशन सेम हो उनको याद कर लेना हर दृष्टि से लाभकारी रहता है क्योंकि अदरवाइज़ हमको चेक करना पड़ता अगर मेरे को याद होता तो हम सीधे आंसर दे देते मेरे को याद था मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है टीचर की ये मजबूरी है अब इसकी डायमेंशन निकालनी है एम टू दावर सिक्स जी स्क्वायर अपॉन ई और जे स्क्वायर और कहते हैं इसकी डायमेंशन किसके बराबर है तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी भी है और इसको शॉर्टकट से भी किया जा सकता है सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ये है कि आप सबकी डायमेंशन रख दीजिए तो देखो ई व्हाट इज़ हियर इज e तो इनर्जी तो एनर्जी रद दी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड जे एम मास है तो एम की पावर सिक्स और ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की डायमेंशन बच्चों को याद नहीं होगी तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एल स्क्वायर आर स्क्वायर भी नीचे आ गया अपॉन एम स्क्वायर तो एम टू दावर माइनस वन और एल की पावर फोर और टी की पावर माइनस टू इसका होल स्क्वायर हो गया और नीचे है एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम की अभी डायमेंशन मैंने निकाली थी आर इंटू पी होती है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन इसका स्क्वायर अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेना है कि किसकी कौन सी डायमेंशन होगी तो देखो ये m की पावर सिक्स है ये m की पावर माइनस टू है तो एक एक लेते हैं m की पावर फोर बचे और ये m है और ये m का स्क्वायर है तो एम क्यूब आ गया अब लेंथ लो l की पावर एट और नीचे आएगा ये एल स्क्वायर का स्क्वायर है एल की पावर फोर इंटू टू एल की पावर सिक्स और T की पावर माइनस फोर और ये T की पावर माइनस फोर माइनस टू ये माइनस टू ये तो ये टी तो कैंसिल हो गया कुछ मुझसे गड़बड़ हुई क्या एम की पावर सिक्स जी स्क्वायर तो एम एल स्क्वायर आ ये गड़बड़ हुई सॉरी देखो बेटा यहां मुझसे गड़बड़ हो गई थी ये एम एल टी माइनस टू होता है हाँ ये देखा एक सावधानी तो यह एम एल टी माइनस टू होता है एम एल टी माइनस टू और यह एल स्क्वायर हो गया तो यह एम माइनस वन और यह एल क्यूब बनेगा तो यहां भी गड़बड़ हो गया एम माइनस वन एल क्यूब और बाकी टी माइनस टू तो है ही है तो यहाँ पे जब चलेंगे तो अब ये इसका एल की पावर सिक्स हो गया तो ये सब कैंसिल हो गया तो आंसर हो जाएगा एम तो इसका आंसर मास के बराबर हो जाएगा तो इस क्वांटिटी की डायमेंशन मास की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी और इसको कई और तरीक़ों से भी मैनुपलेट किया जा सकता है ये सब चीज़ें तो कॉमन है होश से करेंगे तो आपका सही हो जाएगा और तरीके क्या हैं इसके कि आप इसको डायरेक्ट यूज कर लो है ना तो ये यूज हो जाएगा खैर वो अपना देखते रहना ऐसे करो वी वेलोसिटी है ए एक्सेलेरेशन है ए एक फोर्स है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वी ए एंड एफ तो एंगुलर मोमेंटम जे बराबर मैंने मान लिया वी की पावर एक्स और एक्सेलरेशन की पावर वाई और फोर्स की पावर जेड अब मैं इसकी खाली इक्वेशन बना दूंगा एंगुलर मोमेंटम होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन अभी पिछले कई बार निकाला था मैंने देखो एंगुलर मोमेंटम एम एल स्क्वायर टी माइनस वन और वी इज वेलोसिटी तो एल टी माइनस वन की पावर एक्स एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू टू पावर वाई और फोर्स एम एल टी माइनस टू की पावर जेड अब इसको मैच करा लो और मैच कराओगे तो देखो अगर m की पावर मैच कराओगे तो z बराबर वन आ रहा है तो मतलब v अकेला होना चाहिए z z किसकी फोर्स फोर्स अकेला होना चाहिए f की पावर z है z की वैल्यू वन है अब l की पावर मैच कराओ टू इधर l की पावर है x उधर है y और उधर है l की पावर z तो जेड तो हमें निकल आया है x प्लस वाई बराबर वन हो गया जेड की जगह वन रख दिया यानी x और y की पावर का सम वन होना चाहिए तो v की पावर और a तो की पावर तो v की पावर a की पावर वन का सम सेकंड वाला है तो लेकिन इसमें भी वन है तो निकालना पड़ेगा चलो t की पावर भी लिख लो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड तो माइनस वन और माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड कीजिएगा मैंने वन रख दिया तो आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन हो गया टू माइनस वन ये है तो ये टू माइनस वन तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन इन दोनों को माइनस किया ये कट गया तो y बराबर माइनस टू तो ए की पावर माइनस टू होनी चाहिए ये सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा वेरी सिंपल क्वेश्चन था इक्वेशन बना करके सॉल्व किया जा सकता है इसको करने का एक शॉर्टकट होता है वो फिर कभी बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट होते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव ये पहला वाला आंसर हो जाएगा यूनिट ऑफ एम एल आर डबल्ड तो देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर और डायमेंशन में लिखें तो हाफ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अब ये डबल हो गया और ये डबल हो गया तो एम के डबल होने से डबल और एल के डबल होने से फोर का फैक्टर आएगा तो फोर टू एट टाइम्स काइनेटिक एनर्जी की यूनिट बढ़ जाएगी और चाहो तो एन वन यू वन बराबर एन टू यू टू लगा के दुनियादारी भी की जा सकती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन देखो P P तो पावर पी इज रिलेटेड टू टाइम टी यज पी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी तो पावर इंटू ए इंटू टाइम टी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर तो मेरे पास डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एल स्क्वायर क्योंकि बी और एक्स स्क्वायर को ऐड किया गया है अब ये वैल्यू रख देते हैं ये पावर है तो पावर इज इनर्जी अपॉन टाइम तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये एनर्जी है अपॉन टाइम इंटू ए की डायमेंसन इंटू टी की डायमेंसन इज इक्वल टू एल स्क्वायर तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए ये टी से टी कट जाएगा तो ए की डायमेंसन आ गई ये एल स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा एम की पावर माइनस वन ये उधर जाएगा नीचे और टी स्क्वायर तो ए की डायमेंसन हो गई एम माइनस वन एल जीरो टी स्क्वायर तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी सही है ओके बेटा ये मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन थे थैंक यू